बिल्कुल फ्री में सब्सक्राइब करें फिल्मी झरोखा और जानें बॉलीवुड के कुछ रोचक किस्से। सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। सुशांत सिंह राजपूत अपनी फिल्मों को देखने के लिए अक्सर मराठा मंदिर में चले जाया करते थे। मराठा मंदिर के डायरेक्टर देसाई जी बताते हैं कि चुपचाप आकर सुशांत सिंह राजपूत फिल्म देखने के लिए भीड़ में आकर बैठ जाते थे और फिल्म देखने के बाद उनसे पूछते थे, मेरा परफॉर्मेंस कैसा था। सुशांत सिंह राजपूत के बहुत फैन हैं, लेकिन सुशांत सिंह राजपूत हमेशा फैन रहे माधुरी दीक्षित और शाहरुख खान के। शाहरुख खान के प्रति उनकी दीवानगी ऐसी थी कि उन्होंने एक बार ट्रेन तक छोड़ दी थी शाहरुख खान के लिए। फिल्मों में काम करते करते जब भी उन्हें वक्त मिलता था तो वो ड्रामा कर लिया करते थे। सन 2016 में फिल्म के शेड्यूल में थोड़ा सा टाइम मिला, 3 महीने का गैप था, तो इन्होंने एक ड्रामा किया, मोराविया'ज़ टू ऑफ अस इस ड्रामा का नाम था। पैसे की अहमियत को समझते थे और पैसे को ज़्यादा तवज्जो भी नहीं देते थे। जब बचपन में वो किसी स्कूल में पढ़ना चाहते थे और वहाँ नहीं पढ़ पाए क्योंकि पैसे नहीं थे, तब उनके मन में उस वक्त ख्याल आया था कि ऐसा क्या है पैसों में। और जब टीवी सीरियल्स से उन्होंने पैसा कमाना शुरू किया तो उन्होंने कहा, बस इतना ही, क्या ऐसे ही पैसा मिल जाता है। और फिर उसके बाद में उन्होंने अपने सपने पूरा करना शुरू किया और उन्होंने कभी भी केयर नहीं किया कि मेरे अकाउंट में कितना पैसा है। वो ये कहते थे, आई डोंट केयर, मुझे नहीं पता मेरे अकाउंट में कितना पैसा है, मुझे नहीं देखना कितना पैसा है। सुशांत सिंह के सपने और ख्वाहिशें बहुत सारी थी, उनको पूरा करने के लिए ही इन्होंने सिनेमा का हाथ थामा था। एक सबसे बड़े सपने का उदाहरण है चांद पर घर बनाना। सुशांत सिंह हमेशा से चाहते थे कि वो चांद पर जाएं। इसके लिए उन्होंने चांद पर जमीन खरीदी। सुशांत सिंह राजपूत ने चांद पर यह जमीन इंटरनेशनल लूनर लैंड्स रजिस्ट्री से खरीदी थी और वो प्लॉट सी ऑफ मस्कोवी में है। और इस प्लॉट को देखने के लिए ही इन्होंने एक बहुत बड़ी दूरबीन टेलीस्कोप खरीदा था, उसी से वो निहारा करते थे आसमान को और साथ ही अपने प्लॉट पर भी नजर रखते थे। और जब सुशांत सिंह ने जमीन खरीदी थी तो खुश होकर उन्होंने सोशल मीडिया पर सबको बताया भी था। हालांकि ऐसा संभव नहीं होता क्योंकि चांद सभी इंसानों के लिए है, इसलिए वहां जमीन खरीदी नहीं जा सकती। लेकिन फिर भी शाहरुख खान के बाद में सुशांत सिंह का ऐसा नाम है जिनका चांद पर भी प्लॉट है। शाहरुख खान को तो किसी ने चांद पर प्लॉट गिफ्ट किया था, पर सुशांत सिंह राजपूत ने ये प्लॉट खुद कमाया। बिना किसी गॉडफादर के, बिना किसी फिल्मी परिवार के, एक साधारण परिवार से निकल कर आया लड़का सबके दिलों का स्टार बन गया। अंतरिक्ष की दुनिया इन्हें हमेशा आकर्षित करती रहती थी, इसीलिए सुशांत सिंह राजपूत नासा की कई वर्कशॉप अटेंड किया करते थे। इनकी सपनों की लिस्ट में 1000 बच्चों को नासा भेजने का जिक्र भी है। और जब सुशांत सिंह राजपूत फिल्म में काम नहीं कर रहे होते थे तो अपने टेलीस्कोप के जरिए आसमान को निहारा करते थे। अगर इनके शौक की बात करें तो इन्हें कारों का भी शौक था और मोटरसाइकिल का भी। 1.5 करोड़ की कार खरीदी और 25 लाख की बाइक चलाने का शौक उन्होंने खुद पूरा किया। और साथ ही बैंड्रा में जिस डुप्लेक्स फ्लैट में रहा करते थे उसका किराया था 4,51,000 रुपए। इनके यहाँ 2 नौकर और 1 कुक भी था। उनके पिताजी अक्सर कहा करते थे, बेटा तुम्हारी एक्टिंग बड़ी अच्छी लगती है, यू आर डूइंग वेरी गुड, पर यार डिग्री तो कर लेते, ऐसा कहकर वो हमेशा हंसा करते थे। सुशांत सिंह राजपूत ने एक इंटरव्यू में बताया था कि मुझे मेरे कॉलेज ने बुलावा भेजा था कि तुम तो बड़े स्टार बन गए हो, लेकिन अगर चाहो तो अपनी इंजीनियरिंग पूरी कर सकते हो, हम तुम्हें ये लिबर्टी देते हैं। पर सुशांत सिंह राजपूत ने मना कर दिया। सुशांत सिंह राजपूत को किताबें पढ़ने का बहुत बड़ा शौक था और उनकी सबसे बड़ी दोस्त उनकी किताबें ही होती थी। इनकी पर्सनल लाइफ की बात करें तो सुशांत सिंह राजपूत का रिलेशनशिप रहा अंकिता लोखंडे के साथ। तकरीबन 6 साल ये साथ रहे, लेकिन सन 2016 में इन्होंने एक दूसरे से दूरी बना ली। ये जोड़ी पवित्र रिश्ता की वो जोड़ी थी जो कमाल की जोड़ी थी, लेकिन ये असल जिंदगी में जोड़ी नहीं बन पाई। सन 2020 में इन्होंने मुकेश छाबड़ा के साथ काम करना शुरू किया। फिल्म का नाम था दिल बेचारा। ये फिल्म सन 2020 मई में रिलीज हो जाती, पर कोविड-19 पैंडेमिक के कारण ये फिल्म रिलीज नहीं हो पाई।
इस फिल्म की रिलीज से पहले ही सुशांत सिंह राजपूत इस दुनिया को छोड़ गए। सुशांत सिंह राजपूत कहते थे कि मैं अपने आप को लेकर बिल्कुल भी सीरियस नहीं हूँ, जो जैसा मिल रहा है मैं वैसा कर रहा हूँ, टीवी मिला टीवी किया, सिनेमा मिला सिनेमा किया, लेकिन अगर मुझे बाद में अगर सिनेमा में काम नहीं मिलता या मुझे फिल्में नहीं मिलती तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं क्या करूँगा, मैं सिर्फ ड्रामा करूँगा, और उसके बाद में अगर ड्रामा में भी काम मुझे अच्छा नहीं मिला तो मैं किसी ना किसी टीवी सीरियल्स को पकड़ लूँगा, लेकिन ऐसा टीवी सीरियल जो थोड़ा अच्छा प्रोजेक्ट हो, और अगर वहाँ भी काम नहीं मिला तो मैं 5D कैमरा खरीद कर सोलो शॉर्ट फिल्में शूट करूँगा और अपने आप को लोगों तक पहुँचाता रहूँगा। आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो ज़रूर सब्सक्राइब करिए। अब आज्ञा दीजिए तरुण व्यास को, नमस्कार।